आजमगढ़ जनपद से है, जहां बूढ़नपुर क्षेत्र के विकास खंड कोयलसा अतराइट बाजार में शिव बाबा मंदिर में समाज सेवी राम सूरत जायसवाल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बाबा पौहारी जी के स्थान पर 3 मई को होने वाली यज्ञ को लेकर सभी क्षेत्रवासियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। आपको बता दें कि पौहारी बाबा स्थान पर सेठ राम बाबा जायसवाल और उनके छोटे भाई राम सूरज जायसवाल द्वारा पौहारी सरैया स्थित पोखरी का सुंदरीकरण एवं पोखरी के मध्य में भगवान शंकर की मूर्ति की स्थापना की गई, जिसकी अनुमानित लागत लगभग करोड़ों रुपए है। इस अवसर पर भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया है। पोखरी के सुंदरीकरण और सीढ़ियों पर लगभग करोड़ों रुपए राम अवध जायसवाल और राम सूरज जायसवाल द्वारा मंदिर की कायाकल्प और सुंदरीकरण पर खर्च किया गया है। उनका सपना है कि हम बाहर भले ही करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र से अगर जुड़े नहीं रहेंगे तो हमारे होने का कोई मतलब नहीं होता है। आस्था के केंद्र को हर संभव प्रयास कर इसको आकर्षण का केंद्र बना करके मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाने का हमारा सपना है। बाबा पौहारी की कृपा हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहती है, इसलिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हम इस स्थान पर खर्च करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। क्षेत्र के और अपने कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया है। हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि 3 मई को प्रातः 7 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सभी भक्तों से अनुरोध है कि उक्त समय पर पहुंचकर कलश यात्रा को सफल बनाने में सहयोग करें, साथ ही प्रतिदिन यज्ञशाला में उपस्थित होकर अपने जीवन को धन्य करें। काशी मथुरा प्रयागराज जैसे स्थान से विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ आहुत की जाएगी, साथ ही प्रकांड विद्वानों द्वारा प्रवचन पाठ का भी आयोजन किया गया है, जिसमें भटके हुए लोगों को प्रभु का दीदार हो, लोग अपने जीवन को धन्य कर सके। बूढ़नपुर आजमगढ़ से देवानंद गिरी की रिपोर्ट। वह बाबा पौहारी जी स्थान से होते हुए अटैट मार्केट शंकर मंदिर होते हुए हटाई चौक होते हुए बाबा पौहारी जी का धर्म पूरा जात वहाँ समापन होगा और रोज शाम सायं 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कथा की व्यवस्था है। कथावाचक आयम वृंदावन से जो 11 मई तक चलेगा। 12 मई को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। ये जो जगह हो रही है इसमें जन सहयोग से हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग जाता है? यह जन सहयोग के माध्यम से हो रहा है कि मुख्य माध्यम जो है परम आदरणीय राम अवध जायसवाल जी, राम सूरज जायसवाल जी, जो हमारे अटलेट नंदेश्वर शंकर जी महाराज मंदिर के निर्माण के कार्य किए हैं और इसमें बाबा पौहारी जी का स्थान के पोखरे निर्माण का कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से है। मैं आपके माध्यम से जितने क्षेत्रवासी हैं, सहयोगी हैं और जो भी माननीय हैं, सबको आमंत्रित करता हूँ। सब तहे दिल से आइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा नाम रविकांत तिवारी, मैं ग्राम सभा का निवासी। ये जैसे पौहारी आवास स्थान बहुत क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, आस्था का प्रति ऐसे स्थान पर जो आपके क्षेत्र में तो बहुत से लोग रहे जो धन बल सारी जिले में चावल पहुँच लोग तो अपने अस्तित्व को विलीन हो गए। जैसे आपके यहाँ विद्यालय साइकिल मंदिर हो, मतलब कि सारी जगह पुराने समय से अतरेड बाजार अपने आपको एक अपना स्थान रहा है। ऐसी स्थिति में जैसे कि लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दे रखे, फिर देख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों रुपया लोग खर्च कर रहे हैं पौहारी बाबा स्थान से। क्या इस पर क्या बता रहा? मैं आपको बता दूँ कि वास्तव में जो आपने बात कही थी बीच में ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से हमारे परमादरणीय बाबा जी से राम अवध जायसवाल जी और राम सूरज जायसवाल जी के माध्यम से अतरेड बाजार में जो भी अतरेड बाजार में नहीं बल्कि आपको बता दूं मैं सरैया रत्नावे जो न्याय पंचायत क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप से काम हुआ, चाहे धर्म की बात कही जाए। अभी हमारे बाबा जी हम लोगों से कह रहे थे कि बेटा कहीं पर अगर कोई अच्छी ज़मीन हो जाए तो मिल जाए, विद्यालय के लिए भी काम करना चाहते हैं कि जो ये समाज की व्यवस्था सबसे बड़ा देखिए विकास का